ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस मौसम में इतना आंधी तूफान, ठीक हो ना? आर्थिक, हमारा थाल। तो क्या हो गया? थाल ही तो है, इट्स ओके। तुम बेकार में कुछ भी बुरा मत सोचो प्लीज। आर्थिक देखो ना, सब बिखर गया है। तो मिठास का बिखरना तो अच्छा ही होता है ना? पक्का ना? कुछ नहीं होगा ना? होगा ना, होगा कैसे नहीं, सब अच्छा होगा, हमेशा हमेशा अच्छा होगा। कार्तिक मुझे अभी घर जाना है, अभी के अभी घर जाना है। कार्तिक तुम्हारे साथ, मुझे घर ले चलो प्लीज। ये देखिए, हमने भी कार्ड बनाया है। आपने क्या किया मानसी दीदी? मानसी तो कर चुकी जो उसे करना था, है ना मानसी? नहीं नहीं जीजू, मैंने तो अभी सोचा भी नहीं है कि क्या स्पेशल करूं मैं भैया भाभी के लिए। हाँ अखिलेश, मैंने भी नोटिस किया है, जब भी मिसेस सिंघानिया का जिक्र आता है खुद को संभाल नहीं पाती, उसका गिल्ट दर्द बनकर उसके चेहरे पर उभर आता है। पर हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिए, आई थिंक वी शुड जस्ट गिव इट सम टाइम। वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है। अगर हमने ये डिसीजन उनकी, अपने बच्चों की खुशी और भलाई के लिए लिया है तो अब हमें इस पर डटे रहना चाहिए। जानता हूं भाई साहब, फिर भी न जाने क्यों डर सा लगता है। अगर डर लगता है तो अपने डर को काबू करो और मानसी को हिम्मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो नायरा को सब सच बता दे। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं कहेगी वो। मैं नहीं बात करूंगा मानसी दीदी से, अकेले चली गई भाभी से मिलने। पर क्यों? भैया और भाभी तो बस आने वाले हैं। फिर क्यों गई दीदी? उन्हें कुछ हो गया है, मैंने कहा वेलकम कार्ड बनाओ तो बोली नहीं सॉरी कार्ड बनाया है। सॉरी कार्ड? ये घबराहट खुशी की है हो भगवान जी, और किसी के नहीं।
पानी ले आओ, पानी ले आओ, पानी। ये नहीं होना चाहिए था, इसे घर के चौखट के बाहर चलना चाहिए था। कोई बात नहीं दादी, अंदर चले बाहर चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कीर्ति। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी फैमिली पे ये घटिया इल्जाम लगाने की? बदतमीजी करने पर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सर। मैंने कहा था ना भाभी परसों आ रही है हॉस्पिटल से बच्चों को लेकर। भैया को छुड़वा लीजिए। अपने भाई को जेल से भगा नहीं सके तो ये नई चाल चल गए। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मा को तुम्हारे ही भाई ने मारा, उसने कबूल की थी ये बात। तो फिर आज अचानक से मेरी फैमिली को कैसे ब्लेम कर रहे हो तुम? और वो भी अखिल चाचा जी, और खत के पापा को। मुझे पता है वो लोग ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मेरी बातों का यकीन करो आप, एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ सही है। शट अप, जिश, शट अप एंड गो। आप बहुत बड़ी गलती कर रही है मैडम, मैं सच कह रहा हूँ आपकी मम्मी को उस लड़की ने ही मारा है और इस बात का सबूत दे सकता हूँ मैं आपको। भरोसा कर लो, उसके बाद आपको जो सही लगे वो आपकी मर्जी। हेलो हेलो सर, मेरे भाई कश्यप को छुड़वाइए, आपको आपके भतीजे की शादी भी हो गई। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? मैंने कहा था ना आपसे मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, कोशिश तो आप पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, अब हम और नहीं रुक सकते। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सच में अब आपके परिवार को बता दूं और मेरे भाई की जगह आपकी बेटी को जेल हो जाए। नहीं ऐसा मत करना, देख मैंने कहा ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। देखो अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मानसी का नाम इससे मत जोड़ना, वो वैसे भी बहुत परेशान है। जब से उसे पता चला है कि अक्षरा जी का एक्सीडेंट उससे हुआ है वो बहुत डर गई है। मुश्किल से ठीक हुआ है सब, पहले मानसी का डर फिर कार्तिक को पता चलना और उसे समझाना, एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह इस बात को दबा सके। इतना वक्त बीत चुका है, थोड़ा और बीत जाने दो, फिर सब लोग भूल जाएंगे इस बात को। इतने वक्त में मैं तुम्हारे भाई को निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने मनीष भाई साहब से बात की है। हेलो, का नाम इससे मत जोड़ना, जब से उसे पता चला है कि अक्षरा जी का एक्सीडेंट उससे हुआ है वो बहुत डर गई है, फिर कार्तिक को पता चलना और उसे समझाना, एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस बात को दबा सके।
सीधा घर ही जाता हूँ। मेहरा वैसे भी निकल गई होगी। बहुत सारा पेपर वर्क है मैम, आप जाइए, पहले चेंज करके आइए। आप पूरी तरह से भीग चुकी हैं। नहीं, मैं ठीक हूं। आर यू श्योर कि आपकी मां का कातिल कश्यप नहीं, जिसे हमने गिरफ्तार किया था, इनफैक्ट जिसे आपने खुद अपने हाथों से पकड़ा था? हाँ, मुझसे गलती हो गई, उसने कुछ नहीं किया है, आप उसे छोड़ दीजिए। पेपर्स मैंने साइन कर दिए हैं, बाकी की फॉर्मेलिटीज पापा और भाई कर देंगे पूरी। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। उसे छुड़वाने से पहले हमें असली गुनेगार को सामने लाना होगा। अगर आप असली गुनेगार को जानती हो तो प्लीज हमें बताइए कि वो कौन है, और हाँ वो सबूत भी दिखाइए जिस पर यकीन करके आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। फोन तो बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही? मैंने घर पे भी पता कर लिया, वहां पे भी नहीं है। सर मैडम मंदिर में भी नहीं है, हमारे सारे बॉडीगार्ड्स ने सब जगह ढूंढ लिया। ओके, जो हॉस्पिटल में आपने अपने और नायरा के फोन में ट्रैकिंग वाला ऐप डाउनलोड किया था ना? हाँ हाँ, एक सेकंड। पुलिस स्टेशन? नायरा पुलिस स्टेशन क्यों जाएगी? पागल हो गए तुम? अरे क्या हो रहा है? छोड़ो से, क्या बदतमीजी है ये? नक्स छोड़ो, क्या कर रहे हो? नक्स छोड़ो से, छोड़ो दामाद जी को। कहाँ था ना? अगर मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाई तुम, तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। नक्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नक्स छोड़ो ने, बोलो क्या है? नक्स क्यों मार रहे हो उन्हें? नक्स छोड़, नक्स छोड़ो ने। दामाजी, दामाजी ठीक है ना? ठीक है ना? Are you okay? ठीक है ना जी। नक्ष, नक्ष, उठो। तुम ठीक हो? नक्ष क्या हो गया? क्यों मार रहे हो दीदी जी को? क्या हो गया? कार्तिक, इसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया नायरा को। क्या बता दिया उन्होंने? क्या नहीं बताना था आदित्य जी ने? क्या बता दिया नक्ष, बताओगे? अरे देखा ना उसने क्या किया मेरे साथ। मैं इसकी सारी पिछली गलतियां माफ कर चुका हूं, पर उसी का फायदा उठा रहा है। कार्तिक, इसने नायरा को बता दिया कि मम्मा का एक्सीडेंट उस आदमी से नहीं, मासी से हुआ था। सच्ची पापा, सच्ची, आप देख रहे ना क्या किया ना आपके दामाद के साथ? वो बात
जो तुमने छुपाई, वो बात जो मैंने छुपाई, वो बात जो तुम सबने छुपाई, इसने बता दी नायरा को। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। नायरा को पता है ऑलरेडी, सब पता है उसे। मैं खुद शादी वाले दिन नायरा को पैलेस में। नहीं कार्तिक, नायरा को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। नहीं, you're wrong। तुम्हें गलतफहमी हो रही है नाश, गलतफहमी हो रही है। चाचू ने खुद नायरा को सब कुछ बता दिया। मैं खुद बात कर चुका हूँ उससे उस बारे में। कार्तिक, नायरा को कुछ भी नहीं पता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। I'm sure नायरा को इसका कोई आइडिया नहीं है। कार्तिक, मैंने नायरा को सब कुछ बता दिया। क्या क्या कहा, क्या नायरा ने? बहुत रोई, ये समझ गई। नायरा को इसका कोई आइडिया नहीं है कार्तिक। वो बात जो तुमने छुपाई, वो बात जो मैंने छुपाई, वो बात जो तुम सबने छुपाई, सबने। नायरा को इसका कोई आइडिया नहीं है कार्तिक। नहीं कार्तिक, नहीं। नायरा को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। चाचू ने झूठ कहा हमसे, अंधेरे में रखा, हमें धोखा दिया। मुझे खुद ही सब कुछ बता देना चाहिए था उससे, खुद ही सच बता देना चाहिए था। धोखा दिया हमें। चाहिए झूठा दिखावा। मुंह से अच्छा नहीं लगता, झूठ बोला आपने मुझसे, मेरी नायरा से सबसे झूठ कहा आपने। धोखा दिया है हमें, धोखा दिया है हमें। नहीं बताया ना उसे, नहीं बताया ना मानसी के बारे में, उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया ना। क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया? अखिलेश ने कुछ नहीं किया, उसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था ना, इस सब के पीछे सिर्फ आप हो सकते हैं, मिस्टर गोयनका। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर गोयनका, कांग्रेचुलेशंस, जीत गए आप। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, मेरे और नायरा के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी कर दी आपने। हमेशा के लिए नायरा की नजरों में गिरा दिया मुझे, हट कर दिया ना उसे, एक झटके में जिंदगी भर के सारे बदले ले लिया आपने। कांग्रेचुलेशंस, जीत गए आप। क्या सोच रही होगी नायरा मेरे बारे में, कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं उसे, क्या शक्ल दिखाऊंगा मैं उसको, उसकी फैमिली को। अब सब खराब हो गया, सब खराब कर दिया आपने। क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया आपने?
दादी, दादी आप ही ने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, यहाँ आकर तो सब बर्बाद हो गया। दादी मैं क्या करूं, मैं नायरा की नजरों में हमेशा के लिए गिर गया। दादी क्या शक्ल दिखाऊंगा मैं अपनी नायरा को, क्या शक्ल दिखाऊंगा मैं उसे। जिस इंसान को सबसे ज्यादा सबके साथ रहना था, सबके साथ खुश रहना था, वो कुछ नहीं होगा। मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा, बस तू खुद को संभाल प्लीज। आपकी मदद की जरूरत नहीं है मुझे, दूर रहिए मुझसे, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। आपकी वजह से हुआ ये सब, आपकी वजह से नायरा दुखी है, आपकी वजह से आपने नायरा को हर्ट किया है। अगर मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां बर्बाद हुई है तो उसकी वजह सिर्फ आप। मुझे जाना होगा उसके पास, जाना होगा मुझे। क्या हुआ है किट्टू, क्या हो रहा है ये सब, तू क्या बोले जा रहा है, कुछ तो बताओ। अखिल, मनीष, कोई कुछ बताएगा? मनीष जी क्या हुआ है, बताइए ना क्या हुआ है।